आपने बुलाया बीबी? मैंने नहीं, अरमान ने बुलाया। बैठ जाओ प्लीज। क्या बात है बेटा? आप लोग प्लीज बैठ जाए। ऐसे क्या बात हो गई कि इस वक्त इकट्ठा किया सबको? हमें भी नहीं बताया इसने क्यों बुलाया। मैं जो बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है शायद वो कि बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी है। और मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इसमें खुशी से ज्यादा एहसास इन्वॉल्व है। बेटा खुल के बात करो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं हेमंत से शादी करना चाहता हूँ। मैं बात पहले हेमंत को कहना और बताना चाहता था, लेकिन फिर उस्मान चाचा का आने का वेट कर रहा था। सोचा उसको बता दूंगा, आप सब लोगों से इजाजत ले लूंगा, मना लूंगा किसी तरह। फिर ये हादसा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मुझसे हेमंत को इस हालत में नहीं देखा जा रहा। मैं आप लोगों को ये बात बता के इसलिए कॉन्फिडेंस में लेना चाहता हूँ, ताकि जब भी मैं उससे बात करूँ उसका कोई भी रिएक्शन हो तो आप लोगों को ये बात पता हो, और उसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। इजाजत? अरे जब सब कुछ सोच ही लिया है तो इजाजत कैसी? मामा प्लीज, मैं जानता हूँ ये मैं तो आपको वैसे एक आंख नहीं बाती, फिर भी। लेकिन क्यों, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। तो वजह है, वो यहाँ पली बड़ी नहीं है। क्या तरबियत है उसकी, बाहर की सोच है, वो यहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ उसको, उसका दिल बिल्कुल साफ है। अगर तुमने उसके दिल में झांक ही लिया है तो फिर इजाजत क्यों ले रहे हो? वैसे रुमेश साहब, अरमान कुछ गलत भी नहीं कह रहा, उस बच्ची में बुराई क्या है आखिर? हाँ, आप सबको तो इसमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। अभी भी आप भी चुप रहेंगी ना इस वक्त, क्योंकि आप भी यही चाहती थी। आप क्यों कुछ कहेंगी? मेरी बहन के वक्त भी आपको चुप लगती थी। रुमेश साहब प्लीज। रुमेश साहब, मैंने आज तक तुम लोगों के किसी फैसले में कभी बोला? और अब भी जो तुम मियां बीवी फैसला करोगे वो इस घर का फैसला होगा। और रही तुम्हारी बहन की बात, वो मेरी बहन की बेटी थी जिस तरह तुम थी। अगर तुम्हें अपनाने में मेरे लिए कोई मसला नहीं था तो उसके लिए क्यों होता? सबने तो फैसला कर ही लिया है ना अरमान, तो फिर मेरी क्या परवाह? मां प्लीज ऐसी बातें मत करें, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेट करी है? I want to talk to Hemant. मुझे उसके लिए आपकी इजाजत चाहिए। बात तो तुम करोगे उससे हरा, और यहाँ से सबकी रजामंदी भी मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, मेरी रजामंदी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ऐसा? मैं बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की, मैं खुद संभालूंगा। बेटा मेरी इजाजत है तुम्हें। थैंक यू डैडी, लेकिन मैं मामा की भी इजाजत लूंगा। बेटा बीबी, आज रुमेशा ने जो किया उसकी हद होती है, और मैं आपको बता दूं कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सलमान, इस घर में आज तक किसी ने औरत के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की। तुम्हारे बाप की दिलाई हुई रीत आज भी कायम रहेगी, समझे?